टूनी घर का काम करने के बाद हमेशा की तरह टीवी चलाकर अनुपमा देखने बैठ जाती है, लेकिन तभी अनुपमा शो में वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देख वो रोने लग जाती है और उसकी सास लूसी तब वहाँ आती है। अरे टूनी, क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है? सासू माँ, मैं अनुपमा देख रही थी और मैंने देखा बलराज ने ना अनुपमा को घर से निकाल दिया है। अब अनुपमा कहाँ जाएगी माँ जी, वो कहाँ जाएगी? ये सुनकर उसकी सास लूसी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अरे तू पागल वागल हो गई है क्या, नाटक के लिए रो रही है, वो सब सच नहीं होता है, चल जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। मेरी अनुपमा, तुम कहीं मत जाना, मैं अभी आती हूँ। भगवान मेरी अनुपमा की रक्षा करना, उसके तो बच्चे भी ऐसे हैं। ये देखकर लूसी अपना सर पकड़ लेती है और मन ही मन सोचती है, क्या मेंटल पीस मेरे पल्ले पड़ गई है, भगवान बचाना इससे, नहीं तो ये एक दिन मुझे पागल कर देगी। ऐसे ही रात को करीब 2 बजे की वो फिर से अनुपमा देखने लगती है, तभी उसका पति कालू उसके पास आता है। अरे टोनी, तुम क्या कर रही हो, चलो सोना नहीं है क्या? मैं जानती हूँ तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, पर मैं उस अंग्रेजन मैडम को छोड़ूंगी नहीं। ये देख उसका पति कालू डर जाता है और वो वहाँ से सीधा भागकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, इस टूनी को कोई छुड़ा लाती है क्या? अरे क्या हुआ, क्यों रात के 2 बजे मुझे परेशान कर रहा है तू? अरे माँ, तुम तो बस परेशान हो, मैं तो हैरान और परेशान दोनों हूँ। पता नहीं उस टूनी को क्या हो गया है, नाटक देखते हुए अचानक से पता नहीं कहाँ से उसके सर पर कौन सी चुड़ैल आ गई और कहने लगी कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तो डरते हुए भाग कर आया हूँ। अरे वो तो पूरी पागल हो चुकी है, एक अनुपमा नाम का सीरियल देखती है और फिर उसी के डायलॉग बकती रहती है। जा तू उसके बारे में ज्यादा मत सोच, नहीं तो पागल हो जाएगा, और जाकर सो जा। कालू अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन टूनी वन सवर कर किसी औरत के साथ कहीं जा रही होती है, तभी लूसी की नज़र उस पर पड़ जाती है। अरे टूनी, कहाँ जा रही है तू मुझे बिना बताए? माँ जी, मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं, अकेले जाऊं, किसी के साथ जाऊं, जहां जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या? क्या बोली, क्या बोली तू? चल अंदर चल, अभी तुझे बताती हूँ, और तेरा बहुत हो गया। अनुपमा देखकर उसी के डायलॉग बोले जा रही है, तेरा आज से ही अनुपमा देखना बंद। लेकिन माँ जी। माँ जी वाजी छोड़, और आज के बाद मैंने तुझे बेकार सा नाटक देखते हुए देख लिया ना, तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी, और कालू भी रोकने आएगा ना तो उसको भी मारूंगी। बस वो दिन है और आज का दिन है, टूनी ने फिर कभी अनुपमा नहीं देखा, लेकिन अनुपमा ना देखने की दिल में उसकी कसक अभी भी है। रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है, काश मेरे भी कोई संतान होती, पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है, मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें, जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो, इतने साल हो गए मेरी शादी को लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियाँ लगी हुई है, मैं कुछ इमलियाँ तोड़ लेती हूँ, कुछ इमलियाँ मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियाँ तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा, बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बास बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है, जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं,
सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे। अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है। हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और हरिया काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकाले। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देखरेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है। पितापुर नाम के छोटे से गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू कपड़े डिजाइनिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर से छोटा सा बुटीक चलाती थी, वहीं पे काम करती थी और वहीं पे रहती थी। पीलू जंगल में पहली कपड़ा डिजाइनर थी। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी ड्रेस पसंद आ गई और मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आप लड़के को पसंद आओगी कि नहीं, इसका मेरी ड्रेस से क्या लेना देना? बस मैंने कह दिया तो ये दिया, तुम मुझे ड्रेस दिखाओ। पीलू फिर दुखी मन से उसको ड्रेस दिखाती है और एक ड्रेस लेकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है, यहाँ के लोग कब समझेंगे कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, फुटपाथ के कपड़े नहीं बेचती हूँ। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम बुटीक से ली है, आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। लड़के की बात सुनकर हरी बहुत खुश होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद वो पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी ड्रेस मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसकी पेमेंट करने के लिए आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पूरे पैसे देने के लिए आई हैं। इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों को ड्रेसेस देने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मेरी बुटीक को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, कपड़े की तारीफ करती है, लेकिन कोई भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। फिर एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में हीरोइन आती है, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहते हैं। शूटिंग के दिन उसकी ड्रेस में कॉफी गिर जाता है, वो बहुत नाराज हो जाती है। अरे ये ड्रेस खराब हो गई है, यहाँ आते ही अपशगुन हो गया है, कोई होगा क्या जो मेरे ड्रेस नहीं लाकर दे दे, क्या यहाँ पर कोई डिजाइनर बुटीक है? मैडम, इस गांव के जंगल में कौन सा बुटीक होगा? तभी वहाँ शूटिंग देखने आई पीलू हीरोइन को आवाज देकर कहती है, हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे यहाँ पर डिजाइनर बुटीक है, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस बनाऊंगी। फिर हीरोइन पीलू के बुटीक में जाती है और बहुत से ड्रेस ट्राई करती है, उसे 3 ड्रेसेस पसंद आते हैं। पीलू, लगता है मैं तुम्हारी दुकान में अगर और रुकी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी, तुम कमाल की ड्रेस डिजाइनर हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, ये लो पैसे। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ आई है, आपको ये ड्रेसेस मेरी तरफ से गिफ्ट।
फिर पीलू हीरोइन से पैसे नहीं लेती है, लेकिन हीरोइन अपनी शूट खत्म करके वापस आती है। पीलू, तुमको इस बुटीक से कितना कमाई हो जाता है इस गांव के जंगल में? यही कोई 5-10 हजार रुपए, ज्यादा नहीं मिलते हैं। अरे, तुम जैसे टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर को इतनी कम इनकम, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए दिलवा दूंगी। दूसरी हीरोइंस और अमीर बिजनेस कराने की लेडीज के लिए तुम ड्रेसेस डिजाइन करना, तुम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही बहुत तरक्की करती है और अब उसके पास बहुत सारी हीरोइंस का और अमीर घरानों की औरतों का ऑर्डर रहता है। पीलू बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन उसे अपने गरीबी के दिन याद रहते हैं। वो हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त में कपड़े दान दे देती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है।